गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि कल हमने क्या पढ़ा लास्ट आर्टिकल में, लास्ट वीडियो में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद में एनसीईआरटी में, तो वैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, लेकिन इसके साथ इसकी लिमिटेशन से और कम होकर, इसकी कमियों से ऊपर उठकर एक और थ्योरी बना जिसका नाम था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये था आपके पास। तो आज हम जो है इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है क्या। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और कैसे उसको डिफाइन किया गया था कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मतलब वो क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल। एक्सट्रीमली स्मॉल का मतलब बहुत छोटा, इंडिविजुअल का मतलब जिसको काटा ना जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, इंडिविजुअल। हम यहां क्या लिखेंगे, इसने क्या कहा, वो ये कह रहा है कि ना वो सबसे छोटा है और इसको काटा बांटा तोड़ा ना जा सके, जबकि ये क्या कह रहा है, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। ये कह रहा है एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल, कि एटम को लंबे समय तक, एटम को लंबे टाइम तक, लंबे समय तक सबसे छोटा नहीं माना गया। एटम सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब एटम से भी बड़ा है कोई। हाँ, क्योंकि मतलब एटम से बड़ा नहीं, मतलब एटम से भी छोटा है क्या कोई। एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, मतलब एटम को सबसे छोटा, एटम का अविभाज्य कह लीजिए, एटम ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ा ना जा सके, एटम को भी तोड़ा जा सकता है, एटम से भी छोटा है, एटम के भी टुकड़े हो सकते हैं। एटम से छोटा नहीं है, एटम के भी टुकड़े हो सकते हैं, एटम को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। और वो क्या है, एटम्स हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और उसमें अमेज रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये होते हैं एटम के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये था आपके पास पहला इसका पोस्टलेट कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल, एटम को सबसे छोटा नहीं माना गया, एटम से छोटा और भी हो सकता है, एटम के टुकड़े और भी हो सकते हैं, एटम इंडिविजिबल नहीं है, अविभाज्य नहीं है, वो विभाज्य है, मतलब उसको भाग दिया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है, उसको कट किया जा सकता है, उसके और छोटे टुकड़े, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है और छोटे टुकड़ों में। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास सेकंड जो है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, शेप एंड साइज। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, शेप एंड साइज। जबकि ये कह रहा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट के जो एटम हैं वो डिफरेंट मास रख सकते हैं, और उन हमें क्या कहते हैं, कोल्ड। यादगिरी 9th क्लास में पढ़ा था आइसोटोप, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट के जो एटम हैं वो डिफरेंट मास रख सकते हैं, उनका डिफरेंट मास हो सकता है, ये होते हैं, और उन्हें कहते हैं आइसोटोप। जैसे देखिए सेम एलिमेंट का एटम है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, ये देखिए तीनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम है।
सेम एलिमेंट के एटम है ये, लेकिन का मास देखिए 1, इसका 2, इसका 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और देख लीजिए ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन के एटम है, सेम एलिमेंट के एटम है, लेकिन इसका मास है 35 और इसका मास है 37। ये है आपके पास। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। और डाल्टन एटम फिर ने क्या कहा था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास। ये कह रहा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, और वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा है लेकिन मास नंबर अलग अलग रहता है, क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। उसके बाद में आपके पास थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास। क्या कहते हैं अपने, कोल्ड आइसोबार्स, कोल्ड आइसोबार्स। क्या कहते थे जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो, क्या कहते थे, आइसोबार। देखिए आर्गन है और ये कैल्शियम है, अलग अलग एलिमेंट के एटम है। ये आर्गन, आर्गन का एटम है, ये कैल्शियम का एटम है, इसका मास भी 40, इसका मास भी 40 है देखो, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 18 है, इसका 20 है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मास, अलग अलग एलिमेंट के एटम भी सेम मास रख सकते हैं, और हमें क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो जो लिमिटेशंस थी डाल्टन एटम थ्योरी की, उनको ये ठीक करके लिख रहा है। उसके बाद में आपके पास है, उसने कहा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्मिंग कंपाउंड एटम्स, एंड इन दीज कंपाउंड एटम्स द कंस्टेंट एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो, द कंस्टेंट एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो। कि सेम एलिमेंट के एटम अलग अलग एलिमेंट के एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और उसमें जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो एटम है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहते हैं, 1:1 में, 1:1 में, 1:2 में, 1:3 में, 2:3 में, इस तरह से रहते हैं। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि इन दीज कंपाउंड्स द रेशियो ऑफ एटम्स, द रेशियो ऑफ एटम्स विच कंबाइन टूगेदर, जो कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, इज फिक्स्ड और इंटीरियर बट नॉट सिंपल, बट नॉट सिंपल। जो ये किसी भी कंपाउंड में जो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहे हैं, उनका जो रेशियो है वो फिक्स्ड हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, लेकिन वो सिंपल बट मे नॉट बी ऑलवेज सिंपल, ये भी लिख सकते हैं, बट मे नॉट बी ऑलवेज सिंपल, ऑलवेज सिंपल, वो हमेशा सिंपल नहीं होगा, हो सकता है किसी कोइंसिडेंस से कि वो सिंपल हो जाए, लेकिन हमेशा वो सिंपल नहीं होगा। जैसे कि देखिए C6H12O6 लिख रहे हैं आप, ग्लूकोज है तो ठीक है, 6 12 6 कार्बोहाइड्रेट है, 1 2 1 ठीक है, लेकिन C12H22O11 ये ग्लूकोज, ग्लूकोज ये मतलब कार्बोहाइड्रेट है एक, और अब मैंने लिख दिया सुक्रोज, ये क्या कार्बोहाइड्रेट है, रेशियो देखना 12:22 रेशियो 11, ये देखिए क्या है, सिंपल रेशियो है, नहीं है, 12:22:11 ये सिंपल नहीं है, इंटीग्रल हो सकता है, वो फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन सिंपल नहीं हो सकता। ये है आपके पास फिफ्थ पार्ट, जो उसने कहा, डाल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। इसने भी यही कहा, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो विच कैन टेक पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम कैन टेक
पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में सिक्स जो फॉस्फेट, उसने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ये क्या कह रहा है, उसे ना तो बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, ये कह रहा है कि नहीं उसे बनाया जा सकता है उसे मिटाया जा सकता है। तो एटम इज नो लॉन्गर इनडेस्ट्रक्टिबल मींस एटम को लंबे समय तक कैसा नहीं माना गया कि वो जो जैसा है वैसा ही है, उसको ना बना सकते ना मिटा सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑन बोमार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन नाइट्रोजन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बोमार्डमेंट करवा के हम उसे ऑक्सीजन के एटम में बदल सकते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसकी बोमार्डमेंट से, किसकी बोछार से, अल्फा पार्टिकल्स की बोछार से। यूरेनियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसकी बोछार से, अल्फा पार्टिकल की बोछार से। तो इसलिए एटम को कैसा, इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं माना गया। ये है आपके पास, ये थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। एनसीईआरटी में डाल्टन है उसकी कमियों से ऊपर उठकर, तो इसलिए एनसीईआरटी में नहीं रहेगी, फिर भी आपको ये चीज बताएगी कि उससे रिलेटेड है, तो ये आपको फर्दर जो है ना काम आएगी हमारे यहाँ केमिस्ट्री में। ये है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये करना आपको।